मानगो में हुए गोलीकांड में घायल टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो का निधन हो गया है। इधर इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है और आज उन्हें पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बताते चले कि कल मानगो में एक बड़ा गोलीकांड हुआ था, जहां कुछ बदमाशों ने पहले सज्जाद को गोली मारी, जिसके बाद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव घटना के समय पहुंच गए थे। इस बीच वह बदमाशों को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, इस दौरान ही बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। आपको बताते चले कि रामदेव महतो पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर के रहने वाले थे और उनका एक बेटा भी है। पुलिस के जज्बे और साहस को सलाम नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है, मैं मंजीत। बीते दिन की घटना है, कल जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद युवकों को बचाने के क्रम में गोलियां लगी थी और गोलियां लगने के बाद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो, जो पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर के रहने वाले थे, वह उनकी जान चलेगी और जान जाने के बाद बता दें कि आज सलामी और श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया गया और सलामी को देते हुए पुलिस के सभी पदाधिकारी एवं अधिकारी और DIG तमाम लोग पुलिस लाइन में मौजूद थे और सभी अधिकारियों के द्वारा पुलिस के जज्बे को सलाम किया गया और सभी जवानों के द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। अब हम आइए सीधे इस विषय पर जुड़ते हैं, जो DIG हैं, पुलिस विभाग के DIG और SSP हैं, उनसे जुड़ते हैं और तमाम किस तरह से इस दुखद घटना के बारे में क्या कुछ वो कह रहे हैं। हम लोगों ने एक जाबाज साथी को खो दिया है। उसने जिस साहस के साथ और जिस तत्परता से अपनी कर्तव्य का निर्वहन किया, वो बेमिसाल है और हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। हम लोग इस बलिदानी साथी को सत सत नमन करते हैं और आज इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस परिवार उनके परिवारजनों के साथ है और हम सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं। यही अफसोस की बात भी है और जो सर्वोच्च बलिदान जो हमारे इस जांबाज जवान ने, जांबाज साथी ने दिया है, उसका कोई हम लोग कभी भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का कार्य कई बार ऐसा होता है कि जनहित में, लोक सेवा में इस प्रकार का त्याग जो है वो सर्वोच्च है और हम सब उसका नमन करते हैं और साथ ही साथ जो उनके परिवार है उनके प्रति सबकी सांत्वना है। हमारा पुलिस परिवार ही है और इस मामले में पुलिस जो है पूरे तरीके से गंभीर है और इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं वो तो किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर वो पुलिस अपने स्तर से करेगी। सर, परिवार की सहायता के लिए, उनके लाभ के लिए क्या कुछ? देखिए, उन्हें उनकी जो शहादत हुई है उसको लेकर जो भी सरकारी प्रावधान उसको हम लोग बहुत यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकता है सारी परिवार को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना। वीर शहीद रामदेव महतो, रामदेव महतो, रहेगा।